वीके न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड सच का सारथी। बहुत ही दुखद है, आजाद भारत में जब भारत के भाग विधाता यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी हैं, तो केवल दिल्ली में नहीं, एक षड्यंत्र के तहत योजनाबद्ध तरीके से जिहाद के रूप में सारे देश में राम नवमी पर पत्थर फेंके गए। तो मैं मान सकता हूँ ये पत्थर जिहाद है, और योजनाबद्ध तरीके से जुलूस निकल रहा है, पहले से पत्थर इकट्ठे किए गए हैं, पहले से पेट्रोल पंप बनाए गए हैं, पहले सारी की सारी व्यवस्था की गई है। तो जहाँ तक मेरी बुद्धि काम करती है, मुझे लगता है कि मोदी जी का महामंत्र सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबका प्रयास, इसके आधार पर झुग्गी झोपड़ी के इंसान से लेके क्या हिंदू क्या मुसलमान क्या सिख क्या ईसाई, सब में एक सौहार्द का वातावरण सारे देश में प्रकट हुआ, और जिसका परिणाम था 5 प्रदेशों के चुनाव में 4 प्रदेशों में बीजेपी की सरकार आई। विपक्ष को लगा कि ये तो सब खेल ही खराब हो गया, सब चले गए भाजपा के साथ मोदी के साथ में, तो उनके पास अंग्रेजों वाली नीति रह गई, फूट डालो और राज्य करो। तो रामनवमी के अवसर पर चाहे दिल्ली के केजरीवाल हों, चाहे राजस्थान के गहलोत हों, चाहे फिर वो छत्तीसगढ़ वाले हों, या हमारे भी प्रदेशों में योजनाबद्ध तरीके से विपक्षियों ने जानबूझ करके जहर घोलने का काम किया। अब ये जांच का विषय है, तब तक सरकारें जांच करेंगी, वहाँ सही जांच नहीं होगी तो केंद्र की सरकार कमेटी बना के जांच करेगी, और जो दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, और कार्रवाई हो भी रही है। तो लोग तिलमिला रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। अब लोग इस पर बहस नहीं कर रहे पत्थर क्यों फेंके गए, और पत्थर फेंकने के बाद बुलडोजर चल रहा है, कार्रवाई हो रही है, इससे लोगों को दर्द हो रहा है, बड़ी पीड़ा हो रही है। मान लीजिए जुलूस किसी मुस्लिम मोहल्ले से निकल रहा है, तो उनने सब पत्थर पहले से इकट्ठे करके लगे, तो उनको कोई ज्योतिषी थे, उन्हें पता था कोई नारा लगने वाला है, और नारा लगा के नहीं लगा,